हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट ने बात करने में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में मतलब जिसको बोलते हैं हम फ्यूचर इनडिफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट के बारे में, और इस वीडियो में पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन है, सिंपल फ्यूचर के वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द लगा होता है। इस टेंस में काम का करना या पाया होना भविष्यकाल में पाया जाता है। रूल नंबर इसका 1 देखिए, कुछ रूल है उसका 1 देखिए। रूल अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और बी के साथ सेल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी जब इस ट्रांसलेशन को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। रूल नंबर 2 है, निगेटिव सेंटेंस में विल या सेल के पश्चात नॉट लगा देते हैं। इस टेंस में कल के लिए टुमारो लगाते हैं। रूल नंबर 3 है, जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आए अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सेल या विल वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, यानी कर्ता के पहले उसको लिख देंगे। रूल नंबर 4, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और उसके पश्चात सेल या विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 5 है, हाउ मच हाउ मेनी हुज विच के साथ उनसे संबंधित नाउंस भी आते हैं। रूल नंबर 6, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर विल या सेल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। रूल नंबर 7, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट को और जोड़ देते हैं। रूल नंबर 8, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। एक नोट है, फ्यूचर इंडिफिनिट को ही अब सिंपल फ्यूचर कहते हैं। हम शुरुआत में बताए हैं कि सिंपल फ्यूचर को फ्यूचर इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट को ही सिंपल फ्यूचर कहते हैं। इसका एग्जांपल है, मैं एक पत्र लिखूंगा, इस वाक्य के अंत में गाया है, इसको हम पहचान लेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर है। तो मैं एक पत्र लिखूंगा, इसमें मैं क्या हो जाएगा आई, अभी हम बताएं आई और बी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग। आई सेल राइट ए लेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसके पिता कल दिल्ली जाएंगे, हिज फादर विल, इसमें लिखेंगे आई और वी के साथ बस सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का। तो हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो। एग्जाम्पल है, हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है। ये हम लिखेंगे वी सेल उसके बाद नॉट प्ले ए हॉकी मैच टुमारो, या नेक्स्ट डे भी हो सकता है। अब है, हम कल कहाँ जाएंगे, देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो वेयर उसके बाद सेल या विल, वेयर सेल उसके बाद सब्जेक्ट विल, वेयर सेल वी गो टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ तुमको कुछ कलम देगा यानी पेन देगा, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए क्या यहाँ सब्जेक्ट से पहले है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे विल या सेल, तो यहाँ विल लगेगा तो विल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ही गिव यू सम पेन्स। कुछ सिंपल फ्यूचर और सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट का शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ देखिए टेंस है, यहाँ इंट्रोडक्शन है, यहाँ बनाने की विधियाँ हैं। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसकी बनाने की विधि देखिए, पहला है ही सी इट और एक वचन नाउनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। रूल नंबर 2, आई वी यू दे और बहुवचन नाउनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। अब है सिंपल पास्ट टेंस, वाक्य के अंत में था, ता था, ते थे, ती थी, या, आ, ए, ई आदि शब्द आते हैं। इसके बनाने के कुछ नियम्स हैं, पहला प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में डिड का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब सिंपल फ्यूचर टेंस, वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। इसके बनाने के दो नियम हैं, पहला है आई और वी के साथ सेल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, दूसरा है और अन्य सबके साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं।